व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हम लोग गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप iPhone 13 Pro का कॉलर स्क्रीन अपने एक एंड्रॉइड डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। यहां पर गाइस जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं एकदम नया है और 100% वर्किंग है, तो आपको वीडियो को एंड तक एंजॉय करना है। और साथ ही गाइस कॉलर स्क्रीन चेंज होने के साथ साथ कुछ नया भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को गाइस एंड तक देखना। और अगर गाइज आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज यार वीडियो को जरूर से लाइक करना, और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। साथ ही गाइज बेल आइकन बन के आएगा, इसे आपको ऑल पर जरूर प्रेस करना है। तो इसके लिए गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने एंड्रॉइड डिवाइस का वॉलपेपर चेंज करना है। तो इसके लिए गाइज आपको सिंपली गूगल पर जाना है, आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको लिखना है iPhone 13 Pro वॉलपेपर। ओके गाइज, तो यहाँ पर चलिए मैं लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद गाइज आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद गाइज आपको इमेज बटन पर क्लिक करना है जहां से गाइज आपको सभी के सभी इमेजेस दिख जाएंगी। तो आपको करना क्या है गाइज, यहां पर आपको इस इमेज को डाउनलोड करना है। यहां पर देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव लुक है, तो आपको करना क्या है, इस पर थोड़े से टाइम के लिए प्रेस करना है और यहां पर देख सकते हो डाउनलोड करने का बटन आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पर 3 आइकन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यूज एज बटन पर क्लिक करना है। करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको गैलरी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं गाइज अप्लाई बटन आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको बोथ बटन सिलेक्ट करना है। इससे गाइज आप होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पर देख पाएंगे, तो यहाँ पर बोथ पर क्लिक करते हैं और अभी ये सेट हो रहा है गाइज, होने देते हैं इसे। तो कम्प्लीटली गाइज ये हो चुका है, आप चलते हैं बैक। बैक आने के बाद गाइज देख सकते हो थोड़ा तो लुक चेंज हो ही चुका है। चलिए हम इसे कम्प्लीटली चेंज करते हैं। इसके बाद गाइज हम आपको सबसे पहले तो आपको कॉलर स्क्रीन दिखा देते हैं। यहाँ पर गाइज मैं अभी टेक्नो स्पार्क 7 डिवाइस को यूज कर रहा हूँ, अगर आपका कोई भी मोबाइल है तब भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो जैसे गाइज हम अपने दूसरे मोबाइल से कॉल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कॉल आना हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कॉलर स्क्रीन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कॉलर स्क्रीन कुछ इस तरीके से है। तो गाइज अब जो हमें चेंजेस करने हैं उसकी तरफ चलते हैं, और बाकी आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही गाइज वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने मोबाइल का पूरा नाम लिखकर हमें जरूर कमेंट करना। तो अब गाइज आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है फोन प्लस। किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने टाइप किया है सेम यही आपको भी लिखकर सर्च करना है। और यहाँ पर आपको ये जो है एप्लीकेशन यहाँ से ऊपर से 5वें नंबर पर मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो फोन प्लस कॉन्टेक्ट्स एंड कॉल्स, इस नाम से ये एप्लीकेशन है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस काफी कम साइज है, 5.7 MB का ये एप्लीकेशन है, जिसके अगर डाउनलोड्स की बात की जाए तो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं गाइस। तो आपको करना क्या है, सिंपली इसे डाउनलोड करना है। तो गाइस अब स्टार्ट होता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो कि आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है। अब गाइस आपको करना क्या है, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन होने के बाद गाइस सबसे पहले तो अगर आपके मोबाइल में कई सारे जो है कॉलर डाउनलोड होंगे, तो आपको सबसे पहले तो अपने इस कॉलर को जो अभी आपने डाउनलोड किया है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सेट एज डिफॉल्ट बटन पर क्लिक करना है। तो गाइस ये जो एप्लीकेशन है वो डिफॉल्ट में हमारा सेट हो चुका है। अब गाइस नीचे आपको डन बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जो कि आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर भी गाइज आपको इसे इनेबल करना है, ये आपको एक्सेसिबिलिटी में रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को ढूंढना है और इसकी जो भी परमिशंस है गाइज आपको इसे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद गाइज आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद सबसे पहला काम आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है 3 लाइंस के ऊपर, और यहाँ से गाइज आपको नीचे एक बटन मिलेगा गाइज, यहाँ पर ऑप्शन बैकग्राउंड कॉल्स, ओके इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना है एनिमेशन ऑप्शन पर, और यहाँ से गाइज आपको एक एनिमेशन डाउनलोड करना है, जो कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइज हम सबसे पहला जो है इसे डाउनलोड करते हैं, जो कि अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज फाइनली हमारा जो एनिमेशन है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको करना क्या है गाइज, यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक नहीं करना है, बल्कि नीचे आपको यहाँ पर राइट का एक बटन मिल रहा है, आपको इसे टिक करना है। और ध्यान देना गाइज ये एकदम ब्लैक हो जाएगा, आपको ये जरूर ध्यान देना है, तभी ये जो है काम कर पाएगा। इसके बाद गाइज आ जाना है बैक। गाइज एनिमेशन कम्प्लीटली सेट करने के बाद आपको करना क्या है, फिर से एक 3 लाइंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको कॉलर स्क्रीन जो भी थीम्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली लुक देने के लिए आपको यहाँ पर दूसरा जो थीम आपको नज़र आ रहा है
इस पर आपको सिलेक्ट करना है। और थीम सिलेक्ट करने के लिए गाइस आपको थीम पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आप नीचे आपको थीम के नीचे राइट का बटन मिल रहा है, आपको इसी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ये जो है ब्लैक हो जाएगा, तो इससे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि ये जो है सेट हो चुका है। अब इतना करने के बाद गाइस अब मैं अपने दूसरे मोबाइल से इस पर कॉल करता हूँ, आपको कम्प्लीटली दिखाता हूँ कि ये ट्रिक कितना वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हो गाइस कॉलर स्क्रीन एकदम से चेंज हो चुका है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक रहा है, देख सकते हो यहाँ पर। और एकदम आईफोन 13 प्रो का जो है वॉलपेपर और साथ ही साथ कॉलर स्क्रीन भी आपको देखने को मिल चुकी है। तो अगर गाइस आपको ये ट्रिक और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।